अफसोस अफसोस सद अफसोस काफी अफसोस मलने को दिल कर रहा है मेरा। वजह यह है कि मैं ये ट्वीट देख रहा हूं और देखें उसने बंदे ने लिखा हुआ है, उसका हैंडल पता नहीं क्या है, वो कह रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चांद गाड़ी भेज रही थी चांद के ऊपर, और ये जो अभी इंडिया ने कब्जा किया ना चांद के ऊपर जाके, हम पहले पहुंच जाते उनसे। नहीं तो हम पहले जाके मल लेते। हाँ बिल्कुल। तो नहीं चांद गाड़ी हमने भेजनी थी या बेचनी थी वहां जाके? मतलब आप कह रही हैं कि वो कुतोशा खाना है जिससे हमने चांद गाड़ी निकालनी थी कि वो भेज देते जाके? वैसे हमारे यहाँ चांद गाड़ी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? गधा गाड़ी को। नहीं नहीं देखें बात गधे की नहीं है, बात गाड़ी की है, बल्कि बात गाड़ी की भी नहीं है, बात जहाज की भी नहीं है, बात रॉकेट की है। आप देखिए इंडिया ने कब्जा कर लिया चांद के ऊपर और हम बस बैठ के बस हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जीत गया। ओ इंडिया का नेशनलिज्म जीत गया और हम पीछे रह गए। हम कैसे पीछे रह गए? अब तो ये तो वो जमात इस्लामी वालों ने अब पूछा तो है कि हाँ बताएं आप चांद तस्खीर करने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं, और आपका कोई प्लान है भी या नहीं? आप तस्खीर, तो मतलब करने तस्खीर का, करना है। आप तस्खीर करने का फायदा मुझे बताएं। चड्डा गाड़ना उठे जा। नहीं तो वो तो इंडिया ने कर लिया तस्खीर। इतना बड़ा चांद है, हम कहीं और चले जाएंगे? इतना छोटा सा चांद है, पहुंच गए वहां पे वो तस्खीर। देखे मैं आसान कर दे, हम सूरज पर जाएंगे, सूरज पे दस्तक देना आसान। वो तो मोदी ने वहां पे कह दिया कि अब अगला टारगेट सूरज है। आपका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना, वो तो सारे सितारे सियारे कब्जा कर लेगा इंडिया, हम यहीं पे रह जाएंगे। वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बना देंगे वो सारी, तो हम क्या करेंगे? हाउसिंग सोसाइटीज वो नहीं बनाएंगे, वो तो हमने बनानी थी। देखे तहरीक इंसाफ का मॉडल ये था कि वो जो वहां पे वो घर बनाने थे ना जो 50 लाख, नहीं नहीं पहले तो रकबों पर कब्जा करना था, फिर रकबे जब कब्जे सारे रकबे तुम्हारे, तो फिर वहां पे एक बहरिया टाउन बनना था, एक डिफेंस बनना था, एक जो है अपना। लेकिन हमारे ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। इंडिया पहुंच गया, अब वहां पे देखें वो बॉलीवुड की फिल्में बनेंगी, शूट होगी और क्रिकेट के मैच होंगे, आईपीएल का अगला सीजन चांद पे होगा। और कैसा रहेगा शाहरुख खान यूं करता हुआ चांद के ऊपर? मैंने अच्छा मैं सीरियसली स्पीकिंग मेरी जो पहली वो देखा ना मैंने, तो शाहरुख खान की ट्वीट थी जिसमें वो कह रहा था कि आई एम ए प्राउड इंडियन। खैर चलें छोड़े इस बात को, ये तो आप नेशनलिज्म की बात कर रहे थे ना, वो तो अब हार गए तो हार गए, अब क्या हो सकता है। हम जाएंगे काशिफ, हम जरूर जाएंगे, इंसाफ होगा, जरूर होगा। देखिए पहले तो नहीं जा पाए ना, पहले तो इंडिया चला गया। अच्छा हम कुछ ऐसा करेंगे जो इंडिया ने नहीं किया। देखें इंडिया ने एक धमाका किया, हमने दो धमाके किए। दो क्यों देखे? क्या हो गया? हमने छह धमाके किए थे। हाँ देखो बिल्कुल इंडिया ने क्या, हमें छह किए। हाँ तो और इंडिया ने हमें एक लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हमें पुश किया गया है, फोर्स किया गया है एक आर्म्ड वेपन्स की दौड़ में, जबकि मैं चाहता था मौशी मुकाबला और उसकी रेस चाह रहा था खित्ते में। और वो आप तकरीर दोबारा सुने, वो कह तकरीर नहीं थी, वो एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू दोबारा धमाकियों से कुछ अरसा। हाँ वो असल में कह रहे हैं मेरे तो प्रेशर बहुत है, मैं तो नहीं करना चाहता, वो कह रहे हैं करें। अच्छा देखे मेरी बात सुने, ये आप बीच में ना एक हर बात हो रही है कि क्या पता अगर मियाँ साहब होते तो हम कब के चांद पर जा चुके होते। हाँ बिल्कुल, स्पार्को का हेड चेंज करके। अभी कौन है? छोड़े, अहम बात ये नहीं है कि यहाँ पे कौन है, अहम बात ये है कि वहां पे कौन है। सोमनाथ तो नाम ऐसा हाँ कि चकित रह जाए सब। नहीं बात ये है कि मुझे लगता है ऐसा कि हमें भी कोई ऐसा हेड लाना पड़ेगा जिसका नाम महमूद गजनवी हो, बल्कि सुपुख्तगीन होना चाहिए। एना औखा ना, मतलब तो चंगा महमूद गजनवी रख। चले मैं मान लेता हूँ महमूद गजनवी। देखिए बात ये है, सोमनाथ पर क्यों हमले हुए थे भला? गोल था वो बिल्कुल था वहां पे, लेकिन हम फिलहाल उस सोमनाथ की बात नहीं कर रहे। सोमनाथ ऐसा है या जी है जो भी है, जो ये इंडिया ने चांद पर भेजा, क्या नाम है इसका? चंद्रयान यही है, चंद्रयान 3। मैंने पूरा नाम याद, बस मुझे ये याद है कि 2019 में ना फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था
ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਈਡੀਅਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ। ਅਬ ਬਹਰਹਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਪੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਵੋ ਅਗਰ ਹੋਤੇ ਤੋ ਵੋ ਖੁਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਲੀਡ ਕਰਤੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਕਰਸ ਕੋ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕਰ ਚਾਂਦ ਪਰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਤੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਐਂਕਰਸ ਵਾਂ ਖੜੇ ਹੋਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਹਾਂ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਬ ਲਗਵਾਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੇ ਵਾਜਬਰੋ ਕੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਵੋ ਟੱਬ ਮੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਤੇ ਚਾਂਦ ਮੇ ਪਹੁੰਚ, ਫਿਰ ਚਾਂਦ ਚਾਂਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਤਾ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਂਦ ਹੋ ਜਾਤੇ, ਚਾਂਦ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਂਦ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਐਨੀ ਆਓ, ਵੋ ਅਗਰ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਟਕ ਮੇ ਹੈ, ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਫ ਖੁਦ हमारा तो चांद ही अटक गया है। हमारी तो हकीकी आजादी अटकी हुई है। देखिए मेरी बात सुने, आपने सच बोला, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे हुआ कि पाकिस्तान का नेशनलिज्म जो है वो पीछे रह गया, तो इंडिया का नेशनलिज्म जो है वो आगे निकल गया है। और जो हमारे यहाँ एक तरफ वो पंजाबी वाली फूड़ी बिछी हुई है, हाँ। और एक तरफ जो है ना ऊपर से बहुत बहुत खुशी का मकाम है। नहीं, इस पे एक एक करके बात करो, हमारे गवांडियों को एक 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 करके बात करो। सबसे पहले तो मैंने देखे ना, ये जो मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने वो पॉइंट्स नहीं लिए थे, तो मैं उसमें आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा दुख तो हमारे टीवी एंकर्स को हुआ जिनको ये समझ नहीं आ रही, और रिपोर्टर्स को कि वो इसको रिपोर्ट कैसे करें, कैसे करें, क्योंकि वो जा नहीं सकते वहाँ पे। हाँ, किस पे कसूर डालें, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। मैं देख रहा था कि एक एंकर, खातून एंकर रो पड़ी ये बताते हुए कि देखें वो हमसे आगे निकल गए हैं, सलमान तासीर के बाद पहली दफा ही उनको रोते हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बस आप दीदा, उफ, दिल गिरफ्तार, आशुफ्ता सरी का वो आलम था, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो फरमा ये रही थी कि कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान क्यों नहीं गया चांद पे, कौन जवाब देगा। ओके, हाँ, तो ये मतलब उनके लिए इज्जत का मसला, इज्जत बेइज्जती का मसला हो गया था ये। तो मलिक रियाज साहब कोशिश करें, वो तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बल्कि वो वहाँ पर आपको पता है ना कि शाहरुख ने भी चांद पर एक छोटा सा प्लॉट अपना लिया हुआ है, तो अगर मलिक रियाज साहब कोशिश करें तो इन एंकर्स के लिए प्लॉट्स के भी वहाँ से कट सकते हैं। प्लॉटों वाली बात हो गई है, आप ना लुकमा ना दें बीच बीच में मेरी बातों के, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अर्ज करने का मतलब ये है कि बिस्ती हो गई है पाकिस्तानी एंकर्स की, आप समझ नहीं, बिस्ती खराब हो गई है। अच्छा। कि हमारा, हम देखें हम क्या कहेंगे, हम जो साबित करते थे कि इंडिया तो बहुत पीछे है, और असल में तो वहाँ पर, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें, यहाँ पर एक तो ये है कि मुकाबलेबाजी ये होती है कि उधर कुछ हो जाए, कोई बेहतर खबर आए, बेहतर कदम हो, तो कहा जाता है हा हा हा, पहले जाके अपने पब्लिक टॉयलेट्स बनाओ, हा 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 हा, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। आपके भी हाँ वही मसाइल हैं तकरीबन, आपके यहाँ भी मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब ये इस किस्म की बातें। लेकिन असल बात ये है काशिफ साहब, कितने दलित हैं इंडिया में। अभी सीरियस बात ना करें, ये आखिर में करेंगे ना, अभी आप सीरियस, अभी तो शुगर लग रहा है ना, जरा शुगर लगा ले दो मिनट और। देखें पहला रिएक्शन ये है कि उन्होंने डिनायल किया, ये तो हो ही नहीं सकता, चांद तो झंडा हिल रहा है वहाँ पे, तो ये नहीं है, हवानी है, ये हवानी है, जरा पीछे हो, जाने दे जाने दे, थोड़ी हवा आने दे। तो वो तो परेशान है, एक तो डिनायल सामने आ रहा है, एक ये है कि वो बॉलीवुड की फिल्म है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कामरान शाहिद को एक और प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक फिल्म बनाए, कामरान शाहिद फिल्म बनाए, उसको लिखे खलील रहमान, वे तुम चांद बनाए, खलील रहमान लिखे उसमें, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, और अली जफर का गाना, अली जफर का गाना होगा, और वो लिखे खलील रहमान कमर, और हीरोइन दो तीन नाम है मेरे जहन में, माहिरा खान, नहीं वो खलील रहमान कमर ने उनके ऊपर काटा फेरा हुआ। व्हाट अबाउट हरीम शाह, यस ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। फिल्म बनाए और ये साबित करें कि जो है ना क्या ये झूठ था, पहले हम पहुंचे हुए थे वहां पे, पहले हम पहुंचे हुए थे, इवन वो जो बुढ़िया चरखा काट रही है उसके लिए यहाँ से रुई भी हम ही लेकर गए थे। नहीं वो तो वो असीबल के, वो लैलपुर दे, वो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी को हम नहीं मानते। अच्छा 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 अच्छा, नहीं हम नहीं मानते। ये कभी कभी मौका मिलता है कि जो सारे टीवी चैनल्स के एंकर्स है ना, इतने तड़फ रहे होते हैं कि हुन करिए कि अब क्या हो,
आपको इंडियन एंकर्स नहीं नजर आ रहे, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तड़फ ही रहे हैं, लेकिन वो खुशी में तड़फ रहे हैं। मेरी बात सुना। अच्छा, अब आप सीरियस बात करना चाहते, थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। बात यह है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेस मिशंस को, जो भी जाए जाना जा रहा होता है, उसको हमने नेशनलिज्म के साथ जोड़ दिया। ये असल बात हमने नहीं, ये मेरा ख्याल है रशिया में भी यही कुछ। अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात की कि जब ये स्पेस की दौड़ शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त पहले नारा ये था कि सुर्ख है, सुर्ख है चांद, सुर्ख है। जितने आप देख लें, जो जो पहला था वो जो करीब से गुजरता है और फोटोग्राफ्स लेता है, वो भी यूएसएसआर का था। वो जो ऑर्बिट वाला मिशन था, वो भी उन्होंने पहले भेजा था, और फिर वो क्रैश वाला होता है, वो भी पहले उन्होंने भेजा था। अब 1973 या 2, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, वो गूगल कर लेंगे। तो वो पहली लैंडिंग अमेरिका ने करवा दी बंदों के साथ, नील आर्मस्ट्रांग और लोग जो थे। वो अलग बात है, पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी एक तबका ऐसा है, वो पूरी पूरी ऐसी सलाहियत रखता है, आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि वो लैंडिंग, वो तो सारा एक फैब्रिकेटेड चीज थी। अच्छा, वो मॉक था, कोई नहीं सी होया, वो तो छाला मार रहे सी, वो तो इंज कर रहे सी। वो एक और बात है, मैं देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, या मैं ये नहीं कह रहा, जाहिर सी बात है कि ये एवोल्यूशन का एक प्रूव है, और ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब जो इंसान ने सीखे हैं लूम, उसकी एक बहुत बड़ी वो प्रूव है कि वी कैन डू इट। आप ये भी जहन में रखें कि इंडिया चांद के जिस हिस्से पे लैंड किया है, ये दुनिया का पहला मुल्क है जो यहाँ पर आपने जो बात खुद ही छेड़ी थी ना, वो जो तो वो कोल्ड वॉर का एक था कि उसमें नेशनलिज्म की लड़ाई हो, नेशनलिज्म कहेंगे या दो नेशनलिज्म कह लेते हैं, उनकी लड़ाई हो रही थी कि एक अमेरिका या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और एक सुर्ख है, सुर्ख है चांद, सुर्ख है। अब तो केसरी हो गया ना, ये तो मोदी भक्तों को ही पता होगा। अच्छा, तो मैं देख रहा था कि वो जिस तरीके से मूवीज में इधर उधर की, वो जैसे प्रोपेगेंडा किया गया, तो वो एक बहुत ही, यानी कि उसमें क्या इंसानियत की खिदमत हो रही है, जो तमाशा मोदी भक्तों ने लगाया और इसको स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट किया। अब इतनी सी चीज़ है यार, यूएई तक जो है ना वो चांद पे मिशन भेज चुका है। मैं ऐसे की बात है ना, आप यहाँ पे सेटअप लगा दें, यहाँ इस दफ्तर में लगा दें, दफ्तर में ये छोटा होगा, लेकिन आप कहीं पे भी लगा दें सेटअप, पैसा खर्च करें। मैं तो कहता हूँ जैसे इन्होंने मौला जट बनवाई थी ना पार्ट टू, बाहर से मंगवा के यू नो, वो पूरी इन्होंने वो बना दी थी अपना हॉलीवुड का सामान इन्होंने पैदा, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएं यहाँ पे और भेज दें चांद पे। इट्स नॉट ए बिग डील, उसने करना क्या है वहां पे जाके। काशी बात फिर वही है, आप एक बात नहीं समझ रहे कि दुनिया इंटरनेशनल कंपनीज जब इन्वेस्ट करती हैं, जब वो आती हैं, तो बिजनेस भी आता है, रोजगार भी आता है। मैं ये इस डिबेट, ये एक पूरा डिस्कोर्स है, जब अमेरिका से ये पूछा जाता है या और लोगों से पूछा जाता है कि अरबों लोग, करोड़ों नहीं, अरबों लोग कुछ खाए पिए बगैर सो रहे हैं, लोग फाकों से मर रहे हैं अफ्रीका के अंदर, इंडिया में करोड़ों दलितों के सर पर पैर रख के ये चांद के ऊपर उन्होंने भेजा है, ये तमाशे करना। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, असल बात ये है। अच्छा, अब ये जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और नेशनलिज्म या पॉपुलिज्म की बात है, देखें ये कह देना ना कि इस खित्ते में पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म ये हर जगह पर है। तो अमेरिका और रूस की बात हो रही थी ना? अगर हम मैं अगर पाकिस्तान की मिसाल दूं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्रेडिट नहीं लेती? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये नहीं कहती है कि हमने दुनिया का प्रेशर नहीं लिया और हमने धमाके कर दिए थे? ठीक है, वो अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में तब भी कहा था कि इन्होंने हमें पुश किया है फोर्स। किसने पुश किया था? दिखा के नहीं देता सी मैनू। खैर, वो तो कहने का मतलब ये है, उस धक्के का फायदा कोई नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट तो लेते हैं, नहीं क्रेडिट अब, लेकिन मोदी जैसे लोग और जो उनकी पॉलिसी रही है, जो उनके भक्तों ने जो हिंदुआता का एक पूरा तमाशा पूरे मुल्क में लगा रखा है, वो मुस्लिम्स हों या वो निचली जात सो कॉल्ड, वो क्योंकि जातों दलित हो अगर तकसीम एक समाज है, तो उनके साथ
क्या जुल्म है जो नहीं बरत दिया गया। और आप चांद पे, और वो लाएगा क्या, आप क्या कमाल कर लेंगे वहां से, आप डाटा मंगवा के आप उस डाटा का करेंगे क्या, मुझे तो ये बताएं। ठीक है, डाटा आ गया, मतलब अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में। आप कुछ लिख रही हैं, आप पहले ये बोल दें, मैं बाद में अपनी बात। नहीं नहीं नहीं, मैं आप बात कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो मालूमात आएंगी, जो चीज़ें स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हम तक पहुंचेंगी, वो इंसानियत ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज़ होनी चाहिए या ये बताने के लिए यूज होनी चाहिए कि हमने चांद पे झंडा गाड़ दिया है। यार कम ऑन यार, बहुत ही छोटी हरकत है दोनों मुल्कों में। पाकिस्तान की सेल्फ पिटी इस वक्त, पाकिस्तानी एंकर्स की सेल्फ पिटी है और एक तबके की ना, एक वो ओवर एक्साइटमेंट जो है ना, क्या बात है, आप मुबारखा ने कमाल कर दिया भाई, तस्लीम करें कि हम पीछे रह गए, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं थी इसलिए हम पीछे रह गए। उनकी जमहूरियत भी खैर उतनी तो हाईजैक नहीं है जितनी हमारी थी, लेकिन बहरहाल हमारी रियासत का फैसला है कि हमने फलसफा नहीं पढ़ना, हमने मंतिक नहीं पढ़नी, हमने साइंस नहीं पढ़नी, हमने एआई नहीं पढ़नी, क्योंकि ये जिंदगी से दूरी है। आपको हमने रूहानियत पढ़नी है। ठीक है, आप देखें, मैं आपको लग रहा ना ये मजाक, तू अगर अपनी खुदी ना खोता, खुदी से मुराद ये कि अगर तू अपने ट्रू बीइंग को ना खोता, जुनारी ये बरगसा ना होता, बरगसा वो मशहूर जिसने, आप देखिए बरगसा के ऊपर खड़ी है ये तहजीब जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, क्रिएटिव एवोल्यूशन की थ्योरी का बानी, और इकबाल कह रहे हैं कि तू अपनी खुदी अगर ना खोता, जुन्नारिये बरगसा ना होता, बरगसा के जादू का शिकार ना होता। आगे सुने, आगे सुने और सर धुने, अंजाम खिरत सोचने का अंजाम, फलसफे का अंजाम, अंजाम खिरत है बेहजूरी, है फलसफा जिंदगी से दूरी। तो आप जिंदगी से दूर जाएंगे, आपको क्या जरूरत है, ये तो आपकी, आपका जो रियासती शायर है वो आपको बता रहा है, सरकारी शायर आपको बता रहा है, तो इसलिए परेशान ना हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाएं तो वो आपको चांद पर ले जाएंगी। 54 के करीब, 54 के करीब खवातीन हैं जो इस चंद्रयान के मिशन में। अच्छी बातें हैं। सवाल एक और भी है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी लिस्ट मेरे सामने आए, मैं कोशिश कर रही थी, मुझे अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है। मैं उन 54 खवातीन में से कितनी दलित हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। आप ये जानने की कोशिश मत करें, आपको बहुत मायूस, क्योंकि अब ये बात हमारे एक ड्राइंग रूम से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप को बहुत बुरी लगेगी कि ओह ये कैसी फेमिनिस्ट है और ये कैसी मतलब के प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली है, ये इस चीज़ को मेंशन कर रही है, मुझे मेंशन करना पड़ेगा। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स थे कोई? मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ, ये सवालात आपके बड़े अहम हैं। आखिरी बात ये है कि अच्छी बात है स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की करना, बिजनेस यूरोप के सेंटरिज्म से निकल के इंडिया चाइना की तरफ आना, हमारी तरफ भी आ ही जाएगा। कैपिटल में बड़ी ताकत होती है, ये सब बहा के ले जाएगा, आप देखेंगी। फिर कैपिटल जब रोड बनेगा ना कैपिटल का, फिर बड़े बड़े जो है ना, तो कहने इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हर चीज़ को नेशनलिज्म के उसमें मत दबोएं, इल्म के ज़रिए से इंसानों का जो इस्तेहसाल हो रहा ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। काशिफ, ये चंद्रयान भेजने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाया गया होगा? बस मैं बोर हो गया हूँ आपकी गुफ्तगू से, मैं अपने साथ ना बहुत सारी किताबें लेकर आया हूँ यहाँ। मंगवाई भी हैं तो बस। तो वकील कर लिया आपने? बाबर एवान सुना है, पाकिस्तान वापस आ गया।